तो भाई अब बात कर लेते हैं हमारी कोस्टिंग की। भाई कोस्ट देख के ना सबसे पहले मैं कहूँगा भाई मैं खुद शोक हो गया हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ भाई। थर्ड सर्विस है और इसकी कोस्टिंग देख के ना टोटली शोक्ड भाई, टोटली शोक्ड। दिखाता हूँ भाई आपको, ये देखो भाई ये चीज हुई है चार। अब इनकी कोस्टिंग बता दूँ क्या भाई, क्या बताऊँ यार। हेलो भाई, कैसे हो भाई आप सब? वेलकम है भाई आपका नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ भाई आप बहुत बढ़िया। भाई मैं भी एकदम मस्त। भाई मैंने आपको लास्ट वाले अपने केदारनाथ वाले व्लॉग में बताया होगा कि इसकी सर्विस हो चुकी है भाई ड्यू। 500 किलोमीटर ऊपर ही चला चुका हूँ भाई मैं इसको ड्यू होने के बाद भी। तो भाई फाइनली आज मैं इसकी तीसरी सर्विस करवाने जा रहा हूँ और देखते हैं भाई क्या क्या चेंज होगा, ऑयल वगैरह फिल्टर वगैरह देखते क्या सीन, कितना खर्चा बैठता है थर्ड वाली सर्विस में। जो शुरू की दो सर्विस थी वो तो भाई फ्री थी, इसकी तीसरी सर्विस में अब इसके इंजन ऑयल वगैरह चेंज होएगा और भी देखते क्या क्या चीज़ चेंज होनी है। तो बने रहना बस भाई, यही बोलूँगा और देखते हैं भाई कितना खर्चा मेरा बैठता है थर्ड सर्विस में इसकी में। दो सर्विस तो मेरी थी फ्री, उसमें तो मेरा कुछ भी नहीं लगा है। तो अब देखते हैं भाई जो इसकी तीसरी सर्विस होगी ना उसमें क्या सीन बनता है भाई वहाँ पे। और मेरी एक ना मारुति वाली, आपने पहले भी एक वीडियो देखी होगी जो मेरे नीचे यहाँ पे मैं इसमें फ्लोरिंग पे पानी भर गया था जब 3 दिन लगातार बारिश हुई थी ना उस टाइम पे। तो भाई उस टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस भाई बहुत ही ख़राब था वहाँ का भाई। जो मतलब ये लगा लो एक दिन का काम तो था क्योंकि भाई सीट निकल के मैट सूखता हो, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था भाई मैट सूखेगा नहीं, आपका मैट नया डलेगा, ठीक है भाई। और वो लोग क्या करते भाई 2 दिन के लिए गाड़ी खड़ी करवा लेते, 2 दिन में उनको क्या करना था कुछ नहीं करते भाई, सीट निकाल के यही वाला मैट मेरा निकाल के सुखा देते और यही वाला लगा देते और आपको वो भाई सीधे सीधे ये बोल देता कि नया मैट लगेगा। तो भाई ये चीज़ मेरे को बहुत ही ख़राब लगी थी वहाँ की। तो भाई वहाँ से तो मैंने काम करवाया ही नहीं था इसका, अगर आपने मेरा पहले का व्लॉग देखा होगा तो। अगर नहीं देखा होगा तो भाई मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। तो अब देखते हैं भाई थर्ड सर्विस में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है मारुति वालों के साथ। तो भाई बने रहना व्लॉग में। भाई अपने यहाँ पे फिलहाल सर्विस सेंटर तो हम पहुँच गए हैं, अभी अंदर जाते हैं फिर करते हैं बात, कितनी देर लगेगी वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि भाई एक तो मैं आया ही लेट हूँ, 2:30 बजे तो मैं आया हूँ भाई सर्विस करवाने के लिए। देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है फिर बताते हैं भाई आपको। एक बार पार्किंग में लगा दूंगा गाड़ी ना, फिर बताता हूँ भाई। भाई 3 घंटे तो अभी हो चुके हैं, गाड़ी का काम चल ही रहा है। अभी अभी जैसे मैंने पूछा है जिनको मेरी गाड़ी अटेंड कर रहे हैं उनसे, तो काम चल ही रहा है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा और लगेगा, ज़्यादा काम है नहीं, बट ये भाई भीड़ बहुत ज़्यादा थी इस वजह से टाइम लगा है, अदरवाइज इसमें टाइम नहीं लगता। तो भाई अभी आधा घंटा और लगेगा, उसके बाद हम देखते हैं गाड़ी में क्या क्या काम हुआ। जब हमारे पास जो बिल आएगा ना उसमें रखा होगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या काम और कितने में काम हुआ है। तो भाई आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा, बैठे हम तो भाई आराम से मैच देख रहे थे भाई, अभी तो मैच भी ख़त्म हो गया है देख लो, अभी वो भी टाइम पास हो जाएगा। तो देखते भाई आधा घंटा और टाइम पास करना है, कॉफ़ी पी के काम चला रहा हूँ मैं तो। 3 कॉफ़ी तो मैं पी, 3-4 कॉफ़ी मैं पी चुका हूँ भाई बैठे बैठे 2.5-3 घंटे के अंदर अंदर। तो देखा लग रहा है जाने से पहले मैं एक कॉफ़ी और पी लूँगा, तो देखते भाई चलो आधा घंटा और बैठना है फिर अपनी गाड़ी गाड़ी जाएगी, फिर आपको दिखाते हैं क्या काम रहा और चलते। सारा साफ सफाई चल रही है, उसके बाद पॉलिशिंग और होएगी बस परली साइड जाके। मेरी आवाज़ कम आ रही होगी भाई अभी, क्योंकि शोर ना बहुत ज़्यादा मचा हुआ है इसलिए। अभी भाई यही चल रहा है, देखो वो सफाई चल रही है गाड़ी की धुलाई, अभी ये लेके फिर परली साइड जाएगी, फिर पॉलिशिंग होएगी, उसके बाद हम लेके चलेंगे। और बिलिंग भाई मैं करवा चुका हूँ, ये मैं आपको गाड़ी में बैठ के बता दूंगा क्या क्या चीज़ें हुई है, कितना कॉस्ट आई है, वो चीज़ मैं आपको बाद में गाड़ी में बैठ के बता दूंगा भाई। हम सारा हो चुका अपना, और इसमें देखना ये वाली लाइट जल गई भाई, ये वाली एक बार दोबारा दिखानी पड़ेगी मेरे को, अभी बंद कर रखी है मैंने फिर भी ये जल गई है, ये एक बार मेरे को चेक करवानी पड़ेगी दोबारा।
भाई काम हो चुका है अपना पूरा डन। एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल लेता हूँ भाई मेन रोड पे ना, फिर मैं आपको बता देता हूँ भाई क्या कोस्टिंग वगैरह रही है सारी वो सारी चीज़ मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, एक बार बाहर निकल लेता हूँ, फिर एक बार गाड़ी रोक के ना रोक के फिर बताऊँगा भाई आपको, क्योंकि बिल दिखा दूँगा ना साथ में इसलिए। तो भाई अब बात कर लेते हैं हमारी कोस्टिंग की। भाई कोस्ट देख के ना सबसे पहले मैं कहूँगा भाई मैं खुद शोक हो गया हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ भाई। थर्ड सर्विस है और इसकी कोस्टिंग देख के ना टोटली शॉक्ड भाई, टोटली शॉक्ड। दिखाता हूँ भाई आपको, ये देखो। तो भाई तीन चार चीज हुई है ये देखो। एक तो अपना हुआ है फिल्टर ऑयल, दूसरी अपनी गैस किट, और एक प्लग ऑयल ड्रेन होता है भाई, एक प्लग होता है वो हुआ है, और अपना वो इंजन ऑयल भाई। ये चीज हुई है चार। अब इनकी कोस्टिंग बता दूं क्या भाई, क्या बताऊं यार कुछ भी नहीं आई है भाई, सीरियसली कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपये, मान सकते हो भाई। मैं शॉक्ड हूँ भाई, आपका मेरे को नहीं पता। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना भाई, अगर आप थर्ड सर्विस करवाने गए हो और आपकी कोस्टिंग कितनी आई है गाड़ी की सर्विस की, थर्ड वाली सर्विस, पहली और दूसरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, थर्ड सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई जरूर मेरे को कमेंट करके बता देना भाई आपकी गाड़ियों की कितनी कोस्टिंग आई है और कौन सी गाड़ी है आपकी, ये मेरे को जरूर बता देना भाई। और अगर आपको यकीन ना हो रहा ना, नहीं हो रहा होगा भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको एक बार टोटल और दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई। परछाई आ रही है यार ऊपर, हाँ ये देख लो भाई, देख लो 1600 रुपये की है भाई, देख लो। कभी आप सोचो झूठ बोल रहा है भाई, इतने की तो हो ही नहीं सकती। तो भाई मैंने आपको कैमरे पे ही दिखा दिया है भाई बिल, तो ये देख लो। तो अब भाई जा रहा हूँ मैं सीधा घर, क्योंकि भाई सुबह से निकला हुआ हूँ मैं बाहर, सुबह से बाहर ही हूँ मैं, ना मैंने कुछ खाया ना कुछ पिया है, अभी देखता हूँ या तो रास्ते में कुछ खा पी लेता हूँ, नहीं मिलता है तो भाई मैं सीधा घर ही जा रहा हूँ, घर जा कर ही खाऊंगा। तो ये थी भाई मेरी थर्ड सर्विस का एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो भाई बता देना आपको मतलब जो मेरी कॉस्ट आई है वो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड से बहुत कम है, मेरे लिए एक्सपेक्टेड से बहुत ही ज़्यादा कम आई है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा कम आई है। मैंने सोचा था इसके एयर फिल्टर वगैरह भी चेंज होंगे, बट वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ एकदम ओके थी, वो वैसे ही प्रेशर मार के उन्होंने साफ कर दिया है। वो कह रहे, मैंने पूछ लिया था, मैंने कहा भाई देखो बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चेंज होता तो कर दो। कह रहे भैया कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, आप ले जाओ इसको। ऐसे हमने प्रेशर मार के वो बिल्कुल साफ हो गया था, तो उसकी चेंज वो नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये था भाई मेरा थर्ड सर्विस का एक्सपीरियंस। अब मैं जा रहा हूँ भाई सीधा घर, हाईवे पे ही खड़ा हूँ भाई आपके लिए, बस एक बार रुका था मैं वीडियो बनाने के लिए। तो अब चलते हैं भाई सीधा घर, घर जाके मैं व्लॉग अपना एंड आज का व्लॉग एंड करूँगा भाई। ट्रैफिक देख रहे हो भैया, ट्रैफिक हाईवे है भैया, ये हमारे घर के पास का हाईवे, ऐसा हाईवे जिसके ऊपर भाई 60 से 60+ गाड़ी चली नहीं सकती, स्पीड लिमिट नहीं है भाई, कभी आप सोचो स्पीड लिमिट है, ये सिर्फ इस ट्रैफिक की वजह से भाई। ओ भाई साहब आगे देख कितना ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है भाई, आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन भाई मेरे को दिख रहा है आगे। फंसे फंसे फंसे, चलता ट्रैफिक हो यार, बस एक जगह रुका हुआ ना हो भाई। 60 छोड़ो, मेरी 50 से ऊपर गाड़ी नहीं जा रही है यहाँ पे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है फिलहाल। कैमरे में लग रहा होगा भाई आपको कम है, लेकिन भाई कम नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत है भाई ये। अब खुद देख लो भाई, नॉर्मल ही चल रही है, अब भी नॉर्मल चल रही है, ठीक है। और ये देखो भाई मेरी गाड़ी की स्पीड देखो, अब देख रहे हो 40 और 60 के बीच में ही है भाई, ऊपर तो जा ही नहीं रही। फंस गए भाई नीचे उतरते ही राजीव चौक पे, यहाँ पे लगा हुआ है ट्रैफिक, धीरे धीरे खिसक रही है भाई बस। ओ भाई बहुत टाइम लगता है यार, चला भाई चला 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 कुछ तो चला चल। तो भाई घर तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका हूँ, बस 2 मिनट का रास्ता ही हो रहा है। तो भाई अब करते हैं हम ये वाला व्लॉग यहाँ पे एंड अपना। तो भाई मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बता ही दिया है, देखो झूठ नहीं बोलूँगा मैं, जो कुछ था आपके सामने था, बिल भी मैंने आपको दिखाया है, ये नहीं कि मैंने बिल नहीं दिखाया हो, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। फॉर मी इट वॉज टोटली शॉक्ड भाई,
जो उसकी सर्विस कॉस्ट आई है ना, टोटली शॉक्ड है भाई मेरे लिए तो। अपनी सर्विस की कॉस्ट भाई थर्ड वाली की मेरे को जरूर कमेंट करके बता देना भाई, आपकी जो गाड़ी की सर्विस हुई है थर्ड वाली उसमें आपको कितना लूटा खाया है भाई, ठीक है ना। तो ये मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना भाई आप जरूर। तो करते हैं भाई अपने व्लॉग को यहीं पे एंड, तो मिलते हैं भाई आपको जल्दी ही अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर।